हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जीवराज सिंह और आप देख रहे हो जेएस टेक्निकल चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए एक बैटरी लेवल इंडिकेटर लेके आया हूँ जो कि बैटरी कितनी डिस है और कितनी चार्ज है वो इंडिकेट करेगा। ये मैं एलईडी बल्ब यूज कर रहा हूँ, देख सकते हो आप। तो फ्रेंड्स, देख सकते हो आप, मैं ये डेकोरेशन वाली जो एलईडी स्ट्रिप होती है जो हमारे घर में हम त्योहारों पे अपने घर में लगाते हैं, तो उसमें से मैंने ये तीन चार एलईडी निकाली है, देख सकते हो आप। फ्रेंड्स, इसमें ये एक एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, आपको ये पुराना वाला रेजिस्टेंस निकाल देना है। ये हमारे कोई काम का नहीं है, हमें इस रेजिस्टेंस की जगह 1K का रेजिस्टेंस यूज करना है जो कि आपको मार्केट के अंदर 1K का रेजिस्टेंस आपको 1 रुपये में आराम से ही मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख पा रहे होंगे आप, मैं इसको एक बार निकाल लेता हूँ। अभी देख सकते हो ये तीनों एलईडी मैंने एकदम अच्छे से इसको तैयार कर लिया है। और ये एक हमारा जियो फोन का एलईडी है, मेरे पास एलईडी नहीं है फ्रेंड्स, तो मैं ऐसे जुगाड़ करके कहीं से लेके आया हूँ। और ये आपको एक पीवीसी पाइप है जो गैस पे गर्म प्लेट करके इसको, इसमें मैंने 4 होल कर दिए, एक एक एलईडी लगाऊंगा इसमें। और ये जो मैंने कागज़ लगाया है इस पे मैं परसेंटेज लिखूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। और इसको मैंने सीरीज में कनेक्ट किया है फ्रेंड्स, एक एलईडी का प्लस लिया और दूसरी एलईडी का माइनस करके उसको कनेक्ट किया है, इसको सीरीज में कनेक्ट किया है। 3 वोल्ट को 12 वोल्ट में कन्वर्ट किया है मैंने, देख सकते हो आप। और मैं इस पे मार्कर भी लगा दूंगा बोर्ड के ऊपर, देख सकते हो आप। और फ्रेंड्स, ये हमारे 1K रेजिस्टेंस है फ्रेंड्स, मैं ये रेजिस्टेंस कोई मार्केट से नहीं लाया हूँ, ये मैंने पुराने सर्किट बोर्ड के अंदर से निकाले हैं। तो देख सकते हो ये रेजिस्टेंस है 1 1K। तो आपको 4 LED के लिए आपको 4 ही 1 1K रेजिस्टेंस चाहिए होंगे, तो आप देखते रहिए। मैं इसका एक वीडियो के लास्ट में आपको एक अच्छा सा इसका इस सर्किट का एक डायग्राम दे दूंगा, आप उस डायग्राम को देख कर ये बना सकते हो, बहुत ही चीप प्राइस में बन जाएगा आपका ये। ये मैंने अपने घर में से सामान निकाला है, आप इसको अगर मार्केट से परचेज करके भी बनाओगे ना फ्रेंड्स, ये 10 रुपये में बन के कम्प्लीट हो जाएगा आपका। तो ये मैंने इसको कनेक्ट कर लिया है माइनस से प्लस, माइनस से प्लस। तो मैं इस पे ये रेजिस्टेंस वगैरह सब कुछ लगा दिया, आप इसका एक स्क्रीनशॉट मार सकते हो और मैं आपको एक इसका डायग्राम भी बना के दे दूंगा फ्रेंड। ये हमारा कंप्लीट सर्किट हो चुका है, हमें अब इसके देख सकते हो हमने रेजिस्टेंस को प्लस पॉइंट पे कनेक्ट किया है, एलईडी के प्लस पॉइंट पे, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये सर्किट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं और इसका एक बना के दे दूंगा आपको, ठीक है। तो आप इसका एक अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना, आप मैंने इसको किस प्रकार से वायरिंग किया है, देख सकते हो। इसका रेजिस्टेंस मैंने एलईडी के हर प्लस पॉइंट पे कनेक्ट किया है एक एक, और मैं अभी आपको ये टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ फ्रेंड्स। मैंने इसको ग्लू गन से लगा दिया और इस पर मैंने वोल्टेज वो बैटरी इंडिकेटर लेवल की वो लिख दिया है। देख सकते हो आप, मैंने ये बैटरी इंडिकेटर बना दिया है, इसमें मैंने 4 LED बल्ब लगाए हैं, इसमें 12 वोल्ट पे इसको कनेक्ट करने के बाद एक बल्ब इसमें ग्लो करेगा एलईडी बल्ब, तो इसमें 3 से 4 वोल्ट रहेगा। और 2 बल्ब ग्लो करेंगे तो 6 वोल्ट के ये सॉरी 6 वोल्ट रहेगा इसमें, और 3 बल्ब ग्लो करेंगे तो 8 8 वोल्ट के करीब रहेगा, 8 9 वोल्ट के। और 4 LED बल्ब इसमें रहेंगे तो 10 से 12 वोल्ट के करीब रहेगा इसमें। तो इसको 4 भागों में आप कन्वर्ट कर सकते हो इसके वोल्टेज, इसी तरह से हमने बनाया है। और इसका मैं एक सर्किट डायग्राम भी आपको लास्ट के में वीडियो के अंदर दे दूंगा। और एक 6 वोल्ट और 12 वोल्ट की मेरे पास पावर सप्लाई है जो मैंने वीडियो में बना रखी है, चैनल पे वीडियो है इसकी, इसका वीडियो लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप देख सकते हो। तो ये 6 और 12 वोल्ट दोनों देती है, 6 और 12 वोल्ट दोनों ही हमें आउटपुट करती है। तो इसमें हमने इसको स्विचिंग कर दिया है और देख सकते हो इसका ये येलो वायर है जो कि प्लस का वायर है और ये ग्रीन वायर माइनस का है। एक बार और बता देता हूँ, इसका पीला वाला वायर प्लस है और हरा वाला माइनस है। तो इसका प्लस को प्लस में कन्वर्ट कनेक्ट करना है और माइनस को माइनस में, देख सकते हो आप, मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है। अभी देख सकते हो फुल 4 बल्ब इंडिकेट कर रहे हैं इसके अंदर, एक इसमें मैंने व्हाइट बल्ब लगाया है, एक
ग्रीन बल्ब है, एक वाइट है और एक नीला बल्ब है। इसमें देख सकते हो आप, अभी ये 6 वोल्ट पे है। देख सकते हो तो फ्रेंड्स, आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी ये 6 वोल्ट पे है। अभी मैं इसको 12 वोल्ट पे करूँगा तो चारों बल्ब इंडिकेट करेंगे। 6 पे कर दिया है मैंने, वापस 2 बल्ब ग्लो कर रहे हैं। अभी ये 12 पे देख सकते हो आप, इसमें 6 वोल्ट पे ले जाता हूँ तभी इसमें 2 बल्ब ग्लो करते हैं, और 12 वोल्ट पे ले जाता हूँ तो इसमें 4 बल्ब ग्लो करते हैं हमारे। ये एक पावर बैंक के सर्किट में जैसे हमारे परसेंटेज बताते हैं उसी प्रकार ये बता रहे हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें एंड शेयर करें। फ्रेंड्स, आपने कमेंट किया था उस कमेंट, देख सकते हो आप, मैंने इसका ये पन्ने पे डायग्राम बनाया है। अब इसका ये सीरीज कनेक्शन देख सकते हो, आपको एक प्लस पॉइंट पे 1K का रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है, पहली एलईडी के प्लस पे, अब दूसरी एलईडी के और प्लस माइनस के बीच के अंदर। आप देख सकते हो दोनों एलईडी के बीच में 1K के आपको 4 रेजिस्टेंस इस प्रकार से इस पर कनेक्ट करने हैं। डायग्राम देख सकते हो आप, मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यही डायग्राम है बस, इससे अच्छा डायग्राम आपको कोई नहीं बता पाएगा। देख सकते हो अभी हमारा ये सर्किट कंप्लीट हो चुका है। अब एलईडी का बचा एक माइनस पॉइंट और एक बचा प्लस पॉइंट, आप इसको डायरेक्ट बैटरी पे कनेक्ट कर सकते हो। आपका पूरा सर्किट कंप्लीट हो चुका है। मैं इसमें बैटरी भी आपको दिखा रहा हूँ, ये बैटरी है, इसको बैटरी पे आप डायरेक्ट लगा सकते हो। जितना बैटरी आपकी चार्ज होगी उतना परसेंट आपको दिखा देगा। अभी आप इसमें देख लीजिए, पहली एलईडी ग्लो करेगी एक एलईडी, तो 3 वोल्ट से 4 वोल्ट इसके अंदर वोल्टेज रहेगा। इसकी दूसरी एलईडी ग्लो करेगी, यानी दूसरी एलईडी 50% पे ग्लो करेगी, तो उसका वोल्टेज होगा 6 से 7 वोल्ट के करीबन, 6 से 7 वोल्ट के करीबन रहेगा। और तीसरी एलईडी का रहेगा 75% पे, उसका रहेगा 8 वोल्ट से लेके 10 वोल्ट तक। और हमारी चौथी एलईडी रहेगी 100% पे, उसका वोल्टेज रहेगा 10 से 12-13 वोल्ट के करीब, 12 ही रहेगा समझ लो आप, 10 से 12 वोल्ट। देख सकते हो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ आपको डायग्राम समझ में आया होगा।